हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर रनी वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है, बेसिकली यहाँ पे DRDO की तरफ से बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पे बहुत ही तगड़ी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और सारी की सारी वैकेंसी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। जिसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। डायरेक्टली बात करते हैं मेरे भाई पोजीशन के बारे में। यहां पे आपको टेक्नीशियन का पोजीशन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर IT वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात की जाए, यहां पे आपको डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात की जाए BBTech वालों के लिए, तो आपको यहां पे GET का पोजीशन देखने को मिल जाएगा, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का, जिसके अंदर BBTech वाले एलिजिबल रहने वाले हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अपने को अप्लाई करना है, सारे प्रोसेस को मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इवन अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। YouTube पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूं मेरे भाई, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। जो आपका लाइक का टारगेट रहेगा, बस आपको 700 प्लस लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको यहां पे पोजीशन के बारे में बता देता हूं। टेक्नीशियन का पोजीशन देखने को मिलेगा, डिप्लोमा ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिलेगा, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिल जाएगा। फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए, तो अगर आपने यहाँ पे ITI किया है आप एलिजिबल रहेंगे, अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है आप एलिजिबल रहेंगे, वहीं अगर आपने यहाँ पे BBTech किया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात मेरे को यहाँ पे ये लगी कि इसका जो यहाँ पे अप्लीकेशन फीस रहेगा वो यहाँ पे 0 रुपए है, मतलब कि इसको हर कोई अप्लाई कर सकता है, आपको यहाँ पे 1 रुपया भी पे नहीं करना। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो डायरेक्टली आपके इंटरव्यू के बेस पे ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए, लाइक टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक ग्रुप का। जल्दी से जाके इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेना। इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपको उन जॉब्स का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अक्सर मैं YouTube पे पोस्ट नहीं कर पाता, और YouTube पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो डायरेक्टली मुझको मैसेज कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली PDF को डाउनलोड कर लिया है। PDF का लिंक और अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली अप्लाई लिंक तक पहुंच जाएंगे। अप्लाई करने से पहले मेरे भाई वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेना, यहाँ पे मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके भी दिखाया, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखिए यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा DRDO की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनी प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो आपका जो जॉब लोकेशन लगेगा वो आपका रहेगा विशाखापट्टनम का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी IT वाले कैंडिडेट के लिए, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए, और जिन्होंने यहाँ पे BBTech किया है उनके लिए अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। अब डायरेक्टली बात करते हैं यहां पे कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली आपका यहां पे 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम देखने को मिलेगा, 2023 से लेकर 2024 तक ही आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर अगर आपने ITI किया है, BBTech किया है, या फिर अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है, आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से बैच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, 2019 से लेके 2022 तक यहाँ पे बैच अवेलेबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप अगर 2019 में पास आउट है आप अप्लाई कर सकते हैं, वहीं अगर आप 2021 में पास आउट है अप्लाई कर सकते हैं, 2020 में पास आउट है अप्लाई कर सकते हैं, 2022 में पास आउट है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। 2019 से लेके 2022 तक अगर आप पास आउट हुए हैं इसी बीच के अंदर,
आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे बी बी टेक वालों के लिए कौन कौन सी ब्रांच अवेलेबल रहेगी, एलिजिबल रहेगी, यहाँ पे पूरा चार्ट मेंशन किया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया है, यहाँ पे डिसिप्लिन बता दिया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे बता दिया है, स्टाइपेंड आपको क्या देखने को मिलेगा पर मंथ उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से बता दिया है। तो वहीं अगर आपने यहाँ पे बी बी टेक किया है तो आप एलिजिबल रहेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है बी बी टेक, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेवल आर्किटेक्चर में कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रखा है आप एलिजिबल रहेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन में कर रखा है आप एलिजिबल रहेंगे। वहीं अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है आप एलिजिबल रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ सीट आपकी 24 देखने को मिलेगी। आपका जो स्टाइपेंड रहेगा 9,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात की जाए डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप रहेगा। इसके अंदर अगर आपने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर डिप्लोमा किया है 3 ईयर का आप एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रिकल में किया है 3 ईयर का डिप्लोमा आप एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रखा है या इंस्ट्रूमेंटेशन में कर रखा है तो आप एलिजिबल रहेंगे। वहीं अगर आपने मैकेनिकल में कर रखा है डिप्लोमा आप एलिजिबल रहेंगे। 17 अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। आपका जो स्टाइपेंड रहेगा वो आपका रहेगा 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका स्टाइपेंड देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात की जाए आईटी वालों के लिए तो यहाँ पे आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम देखने को मिलेगा पूरे 1 साल तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने सीएनसी ऑपरेटर के अंदर आईटी किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में कर रखा है कोपा के अंदर आईटी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में कर रखा है, वेल्डर में कर रखा है, टनर में कर रखा है, फिटर में कर रखा है, मैकेनिक्स में कर रखा है आईटी आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। 22 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे जो आपका रहेगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपका जो रहेगा ये आपका स्टाइपेंड वो आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए यहाँ पे जो मेंशन किया है 2019 से लेके 2022 तक यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, उनका मैंडेटरी है यहाँ पे MHRD नेट्स पोर्टल पे अप्लाई किया होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर अगर आपने BB Tech किया है तो आपने MHRD नेट्स पोर्टल पे अप्लाई किया होना चाहिए। वहीं अगर आपने IT किया है तो आपने यहाँ पे apprenticeshipindia.org पे अप्लाई किया होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे कि 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा और अगर आपने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल दी गई है, मैक्सिमम के बारे में यहाँ पे कुछ बात नहीं की गई। 12 महीने का आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कोई यहाँ पे माथापच्ची है नहीं। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को आपको फिल आउट करना पड़ेगा। डायरेक्टली पूरा का पूरा फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकालना है, इसको फिल आउट करना है। फिल आउट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मेल आईडी दी है, इसी मेल आईडी पे आपको क्या करना है मेल कर देना है, अपने जो फॉर्म भरा है उसको यहाँ पे मेल कर देना है। 15 दिन है अभी नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट हुआ है तो आज से लेके 15 दिन आपके पास है, तो 15 दिन के अंदर अंदर जल्दी से यहाँ पे आप मेल कर दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे देखने को मिलेगा, अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको डायरेक्टली मेल आईडी पे मेल आ जाएगा कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो चुका है इंटरव्यू के लिए, तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। अब बात की जाए इससे रिलेटेड, अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बेसिकली मैं आपको ये फॉर्म आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया, तो चेकआउट कर लीजिएगा। इसी फॉर्म को आपको यहाँ पे मेल करना है, जो मेल आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है इसी मेल आईडी पे मेल कर देना, 1 रुपया भी पे नहीं करना आपको यहाँ पे। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उससे रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।